अंधेरों से उजालों की ओर सफर के लिए बेटर लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, अपलोड किए जाने वाले वीडियोस की जानकारी सबसे पहले पाएं। बहस बुरी क्यों है? क्योंकि बहस में हम खुद को सही ठहराने के लिए किसी से भी अड़ते हैं और भिड़ भी जाते हैं। हारने वाला हार मानता नहीं है और जीतने वाला जीत नहीं पाता है। सारहीन व्यर्थ कार्य में समय और प्रतिष्ठा दोनों की बर्बादी होती है। अब समय प्रतिष्ठा के साथ साथ ऊर्जा भी नष्ट होती है। यही समय और ऊर्जा अगर हम अच्छे कार्य में या सकारात्मक कार्य में लगाएं तो हमारी उन्नति संभव है। बहस से तो कोई खास हासिल होने वाला है नहीं, तो इस बहस से बचे कैसे? बहस से बचने का एक उपाय है अपनी समझ को विकसित करके। ए कहता है बी को कि तू गलत है, बी कहता है ए को कि तू गलत है। बहस के दौरान अक्सर इसी तरह की तू तुमे में होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ए जिस स्थान पर खड़ा है वहां से एक संख्या उसको 9 नजर आती है, इसलिए वो बी को कहता है कि तू अंधा है, ये 9 है 9। जबकि बी जहां खड़ा है वहां से वही संख्या उसको 6 नजर आती है, इसलिए कहता है कि तू अंधा है, ये 6 है 6। 99% केसेस में कुछ ऐसा ही होता है। अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी नजर से देखने पर दोनों ही सही है, पर इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि ए बी के लिए गलत है और बी ए के लिए गलत है। अब इन दोनों में अगर स्थान परिवर्तित करवाकर अब एक दूसरे की नजर से देखने की सहूलियत दी जाए तो इनके स्टेटमेंट बदल जाएंगे। ए बी कहेगा तू सही था, यहां से 9 है, और ए कहेगा तू सही था, यहां से 6 है। बहस और समझ में फर्क क्या है? बहस कहती है कि मैं ही सही हूं, इसका अर्थ हुआ कि और गलत है। समझ ये कहती कि मैं भी सही हूं, दूसरा भी सही हो सकता है। ही और भी का फर्क है। बस समझ को विकसित कीजिए और इस तरह की बहसों से बचते रहिए। धन्यवाद आपको बहुत बहुत देखने के लिए।